बाल बाल इतना बोला, अपना बाल ठीक है ना। वेलकम टू सी ओ जी कॉल ऑफ गेम्स। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस बम्स्टर्ड के बारे में, लेकिन आज हम उनकी फिजिक या उनके टाइटल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके बालों के बारे में। कल क्रिस बम्स्टर्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो अपने बाल को शेव करते हुए नजर आए और लोग उनका काफ़ी मजाक उड़ा रहे कि ये क्या कर लिया क्रिस बम्स्टर्ड ने। तो आज हम जानेंगे उसी के पीछे का रीज़न थी, क्या है वो रीज़न जिस वजह से क्रिस बम्स्टर्ड ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, क्योंकि आपको भी पता होगा कि बाल कितने इंपॉर्टेंट हैं आपकी फिजिक के ऊपर। तो क्रिस बम्स्टर्ड ने अपने हेयर्स को इसी तरह से यूं ही शेव नहीं करवा लिया है फैशन ट्रेंड के लिए, लेकिन उनको भी वही प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है जिससे आजकल 90% खासकर मेन कम्युनिटी सफ़र कर रही है, हेयर लॉस। क्रिस बम्स्टर्ड हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं और उसी का फाइनल जो स्टेप हो सकता है सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट, अब उसकी नौबत आ चुकी है क्रिस बम्स्टर्ड के लिए भी। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि खासकर बॉडी बिल्डर्स को क्यों इतना हेयर लॉस से सफ़र करना पड़ता है, इसके मेन रीजंस क्या हैं और इससे बचने के क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और एक चीज़ और, आप अगर पहले के बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे जैसे कि आर्नोल्ड, टॉम प्लाट्स, इनके बाल अभी तक ठीक हैं, तो ऐसा क्या हो गया आज के दौर में कि अभी के 90% बॉडी बिल्डर्स हेयर लॉस से सफ़र करते हैं, जबकि उतने पुराने बॉडी बिल्डर्स अच्छे खासे बालों के साथ अभी भी दिख जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के ही रिलेटेड नहीं है, ये आम पब्लिक के लिए भी है जो इस चीज़ से सफ़र कर रही है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हो सके ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अपने बालों को आप बचा सकें। तो हम बात करते हैं क्रिस बम्स्टर्ड की। जैसा कि हाल में हमने देखा कि क्रिस बम्स्टर्ड ने अपने बाल को शेव कर लिया है, लेकिन क्रिस बम्स्टर्ड हमेशा से ऐसे नहीं थे। अगर आप पहले की फोटोज देखेंगे क्रिस बम्स्टर्ड के, इनके बाल बिल्कुल टार्ज़न की तरह थे। लेकिन देखने की चीज़ यह है कि जब से इन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट किया है, साल बाद साल इनके बाल कम होते गए और ये चीज़ काफ़ी विजिबल होती है स्टेज पे और इनके इंस्टाग्राम पोस्ट से भी। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से कनेक्ट कर लेते हैं कि बॉडी बिल्डर्स के ही बाल उड़ते हैं, और वो लगता है कि उस वक्त ऐसा भूल ही जाते हैं कि इनके सराउंडिंग में भी कितने सारे उनके जान पहचान वाले लोग जिनका हेयर लॉस हो चुका है। तो ये इस प्रॉब्लम से मेन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है, खासकर बॉडी बिल्डर्स ही नहीं। जैसा कि हमने क्रिस बम्स्टर्ड को देखा कि ये पहुंच चुके हैं टर्की, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट का हब है, और इनके बहनोई साहब यान वेलियर भी वहां पहुंच चुके हैं, साथ में दोनों ने ही हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। बिल्कुल, ओलंपिया ख़त्म होने के बाद अब शायद क्रिस बम्स्टर्ड काफ़ी ज़्यादा फ्री हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सही टाइम था हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल के इशू में शायद सबसे लास्ट स्टेप होता है, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, और इसके मेन रीज़न को भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हेयर लॉस का रीज़न क्या है और क्यों बॉडी बिल्डर्स में सबसे ज़्यादा हेयर लॉस देखा जा रहा है। तो अगर हम बात करें मेल पैटर्न बाल्डनेस की, जो जिससे ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है DHT, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है हेयर लॉस के लिए। आप सब जिम जाने वाले ने तो टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना ही होगा। तो टेस्टोस्टेरोन एक बेसिक हार्मोन है जिसके कई सारे यूजेज हैं, लेकिन ये चेंज हो जाता है DHT में एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज। एक नॉर्मल इंसान में भी जितना टेस्टोस्टेरोन उसके बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 10% चेंज हो जाता है DHT में, क्योंकि DHT काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिससे काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस बॉडी में होते हैं, जैसे कि आपका मसल मास गेन होना, आपके बाकी बॉडी के हेयर्स के ग्रोथ के लिए भी DHT रिस्पॉन्सिबल है, और आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी DHT ही ग्रोथ करवाता है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है आपके बॉडी में बनना। लेकिन एक एज के बाद अगर आपके बॉडी में DHT कुछ ज़्यादा ही बनने लगे तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसका सबसे नोटेबल साइड इफ़ेक्ट है हेयर फॉल। DHT अगर ब्लड में फ्री हो जाता है तो आपके स्काल्प के हेयर फॉलिकल्स से बाइंड हो जाता है और उसको श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन DHT में चेंज हो जाता है, कुछ लोगों का हेयर फॉल हो जाता है, किसी का नहीं होता है। इसका मेन रीज़न है जेनेटिक्स। कुछ लोग ज़्यादा जेनेटिकली प्रोन होते हैं कि उनके DHT हेयर फॉलिकल्स से जाके बाइंड हो जाते हैं, हालांकि कुछ लोगों का जेनेटिक्स ऐसा होता है कि उनमें ज़्यादा DHT हेयर फॉलिकल से बाइंड नहीं कर पाते हैं। यही मेन रीज़न है, सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स ही इंपॉर्टेंट है कि किसका हेयर फॉल होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स यूज़ की, तो स्टेरॉइड लेने से आपके बॉडी में हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले से ही जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन है कि आपका नेचुरली हेयर फॉल होने वाला है, तो आप स्टेरॉइड लेने के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं और तेज़ी से बाल आपके झड़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन नहीं है कि आपका हेयर लॉस होने वाला है, तो कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो कुछ स्टेरॉइड यूज़ के बाद भी अच्छे खासे हेयर को रिटेन कर पाते हैं, वो भी सारा कुछ जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई नेचुरल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स में ऐसा क्यों देखा जाता है कि 90% बॉडी बिल्डर्स का बाल उड़ जाता है। हालांकि जो पहले गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स थे जैसे कि आर्नोल्ड, टॉम प्लाट्स और भी कई सारे नाम हैं, जिनके बाल अभी तक ठीक हैं, लेकिन आजकल के मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स का हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है?
इसका मेन रीजन ये है कि आजकल कोई भी साइकिल अगर बॉडी बिल्डिंग में यूज होती है तो उसका बेस होता है टेस्टोस्टेरोन, जो काफी ज्यादा ही चांसेस बढ़ा देता है उसके डीएचटी में चेंज होने के। हालांकि गोल्डन एरा की अगर आप साइकिल्स को देखेंगे जो आर्नोल्ड वगैरह यूज करते थे तो उसमें टेस्ट का यूज ही नहीं किया जाता था, किसी में भी टेस्ट बेस को नहीं बल्कि डीबॉल यानी डायनाबॉल को बेस बनाया जाता था। आजकल कोई बेसिक से बेसिक साइकिल भी अगर बनती है तो उसका बेस टेस्टोस्टेरोन ही रहता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पुराने बॉडी बिल्डर्स के बाल अभी भी सलामत हैं और मॉडर्न डे बॉडी बिल्डिंग में हेयर फॉल बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप रिसेंट मिस्टर ओलंपिया खासकर ओपन डिवीज़न को देखें जहाँ स्टेरॉयड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है तो उसमें आप ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स बाल्ड ही दिखेंगे, सर पर एक भी बाल नहीं रहता है, जैसे कि फिल हीथ, रॉनी कोलमैन। और आप जैसे जैसे डिवीज़न को नीचे लेते आएंगे जैसे कि क्लासिक फिजिक में तो उसमें ज़्यादातर बाल के साथ आपको बॉडी बिल्डर्स दिख जाएंगे। और अगर और कम डोज यूज़ करने वाले कैटेगरी में जाएंगे मेंस फिजिक तो उसमें तो 90% ऐसे ही एथलीट हैं जिनके पूरे बाल ठीक ठाक हैं। तो ये डोज पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा डोज पुश कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशंस के ऊपर कि क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं और क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल है जिस चीज़ को रोक सकती है, या रोक तो नहीं लेकिन कम कर सकती है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक तो या तो फिर उसको ब्लॉकर्स के रोका जाए या तो फिर उसे इनहिबिटर से रोका जाए। तो जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है जो है 5-अल्फा रिडक्टेज, अगर इसको हम किसी तरीके से रोक सके या इसे ब्लॉक कर सके तो हम कुछ हद तक अपने हेयर फॉल्स को रोक सकते हैं। यहाँ पर दो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रग्स यूज़ में आती हैं। सबसे पहला है फिनेस्ट्राइड जो कि बेसिक होता है किसी भी हेयर फॉल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में, और दूसरा है ड्यूटास्ट्राइड। ये दोनों मेडिसिन यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डर्स और आपको डॉक्टर्स भी ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप कभी गए होंगे उनके पास इस इशू को लेकर। बॉडी बिल्डर्स खासकर फिनेस्ट्राइड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। आज से 2 साल पहले एक पॉडकास्ट में क्रिस बम्पस्टेड और यान वेलियर, इन दोनों से किसी ने इसी क्वेश्चन को पूछा था कि क्या ये फिनेस्ट्राइड यूज़ कर रहे हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो दोनों ने इसके बारे में जवाब दिया था, यान वेलियर ने और क्रिस बम्पस्टेड ने, कि ये फिनेस्ट्राइड यूज़ कर रहे हैं उस टाइम से ही। I mean, I've used it since March or April of 2013, so like 7-8 years now almost, and I can't even tell when I'm taking it. Like, I don't notice it at all. Like, obviously, I noticed that I haven't lost all my hair yet. Does Chris use finasteride? Yeah, I started late though. I lost all my hair in 2018. Did you? Sick. I was taking corticosteroids and like an immune suppressant. यान वेलियर ने तो ये तक कहा कि वो 2013 से ही फिनेस्ट्राइड का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। और क्रिस बम्पस्टेड ने ये बताया कि 2018 में जब ये किडनी के कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे तो उस टाइम इन्हें कुछ ड्रग्स दी गई थी उसे ट्रीट करने के लिए, जो कि कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थी, उसके साइड इफेक्ट से इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो गया था। तो उसके बाद से क्रिस बम्पस्टेड ने भी फिनेस्ट्राइड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज़ से तो ये पता चलता है, जैसा कि हमने हाल में भी देखा है कि इस बम्पस्टेड ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए हैं, तो ये चीज़ साफ दिखाती है कि ये चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये दोनों लगातार उसके बाद भी ड्रग्स पे रहे हैं और इनका हेयर फॉल होता ही गया है ये चीज़ लेने के बावजूद भी। तो फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड या फिर कुछ लोग मिनोक्सिडिल भी यूज़ करते हैं हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, ये शायद बॉडी बिल्डर्स के केस में परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टोस्टेरोन पुश करते हैं अपने बॉडी में और ये नॉर्मल रेंज से काफ़ी ही ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं। तो इस केस में तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है जो इनके लिए फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये लोग फाइनली पहुंच चुके हैं टर्की इसी फाइनल स्टेप को लेने के लिए। तो टर्की जो सबसे बड़ा हब है हेयर ट्रांसप्लांट का, आइए जानते हैं कि वहाँ क्या कॉस्ट पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट कराने की। ये ऑलमोस्ट $2,000 से लेकर $6,000 तक है, जो अराउंड बनती है 2-4 लाख के बीच में। और यही चीज़ अगर हम इंडिया में कराने जाते हैं तो ये 50-80 हज़ार के बीच में अराउंड कॉस्ट करती है। अच्छे ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वीक लगाने वाला है। तो ये तो हो गई क्रिस बम्पस्टेड की बात, जो एक काफ़ी प्रोफेशनल एथलीट हैं। ये लोग तो आसानी से इस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकते हैं और ये इतना सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं कि इसके बदले में इन्हें इतनी ज़्यादा फेम, सक्सेस और सब कुछ मिल रहा है। तो इनके लिए अपना हेयर, अपना बाल गंवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात करते हैं अब हम नॉर्मल लोगों के बारे में जो अपने 20s और 30s में स्टेरॉयड अब्यूज़ के चलते हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग जो जिम जाकर ऐसे ही बिना किसी रिसर्च और किसी ट्रेनर के रिकमेंडेशन से स्टेरॉयड यूज़ कर लेते हैं और उन्हें इतनी कम एज में अगर हेयर फॉल से सफ़र करना पड़े तो उनका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा लो हो जाता है, ये वही आपको बता सकते हैं। थोड़े से मसल के लिए अगर इतना बड़ा स्टेप लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हेयर लॉस होने के बाद क्या फेस करना पड़ता है। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो आप इनके
ऐसा सिचुएशन आ चुकी है उनसे आप पूछ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना कम हो जाता है जब आपके सर पे बाल नहीं होते। हेयर आपकी पर्सनैलिटी पर काफ़ी मैटर करता है, तो रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हालांकि हेयर फॉल नेचुरल है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका हेयर लॉस हो जाता है, लेकिन खासकर स्टेरॉयड अब्यूज़ करके इसको ज़्यादा एक्सेलरेट कर देना, जिसका 40 साल की एज में हेयर फॉल होना था उसका 20s में हेयर फॉल कर लेना, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि नॉर्मल लोग जो इसे सफ़र करते हैं वो क्या कर सकते हैं हेयर लॉस प्रिवेंट करने के लिए, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के थ्रू प्रूव हो चुकी है कि नॉर्मल लोग भी कुछ ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिनेस्ट्राइड हो गया, ड्यूटास्ट्राइड हो गया और फिर मिनोक्सिडिल। इन तीन कंपाउंड के बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको ये डोज सही प्रिस्क्रिप्शन के साथ दे सकते हैं ताकि आप हेयर फॉल कंट्रोल कर सकें। और अगर आप डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा ब्लड रिजल्ट्स को देखकर आपको ज़्यादा सही गाइड कर सकते हैं कि मेन रीज़न क्या है और कौन से ड्रग्स ज़्यादा आपको सूट करेंगे। इसके अलावा कुछ नॉर्मल शैम्पूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि कीटोकैनाजोल, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो माइल्ड DHT ब्लॉकर है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं एक बिगिनिंग स्टेप के लिए। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट चलती है घर में भी और बाहर भी, बाल को शेव कर लेने से बाल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी या तो फिर बाल वापस से आने लगेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो बाल कुछ दिन बाद जाने वाले थे वो आपने 10 मिनट में ही निकाल दिए, बस इसका और कोई रीज़न नहीं है। तो ये एक मिथ है, हेयर शेव करने से कुछ असर नहीं पड़ता और कोई बाल नहीं आते, जो थे वही आने वाले हैं। तो सावधान रहें और सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो घर में ये बोलते हैं कि बाल शेव कर लेने से बाल आ जाएंगे। एक मिथ और ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस हो जाता है, ये भी काफ़ी बड़ा मिथ है। इसके ऊपर हमने और काफ़ी कई लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, एक वीडियो हमने भी इसके ऊपर बनाई थी कि क्रिएटिन से कोई हेयर लॉस नहीं होता है, ये भी अब प्रूव हो चुका है स्टडीज़ के थ्रू, ये भी एक मिथ है, आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी कि आपको भी पता चल सके कि क्या इसके पीछे रीज़न होता है और कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। और ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे पूरी दुनिया परेशान है और इसके ज़्यादातर क्योर को लोग जानते भी नहीं है, जैसे कि जो फिनेस्ट्राइड, मिनोक्सिडिल और ड्यूटास्ट्राइड का ट्रीटमेंट है, इसकी भी अवेयरनेस फैलानी काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप देखें और शेयर करें और भी लोगों के साथ, जिससे शायद किसी की हेल्प हो जाए। और टकला ना बोले, और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर है, तो उसको भी जाके प्लीज़ चेक करें और सब्सक्राइब करें कॉल ऑफ गेम्स को। और सोने से पहले बालों में तेल लगा लें। कौन सा तेल?